लॉज ने सपोर्ट करा, आप घर में ऐसे बैठे क्यों होते हो, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, घर में कुछ होता भी नहीं था। तो मैंने कंप्लीट की एजुकेशन भी, साथ ही साथ उसी दौरान जिम भी खोला था, हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें मेल ट्रेनर था। फिर उसके बाद लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी, फिर उन्होंने बोला हमें फ़ीमेल ट्रेनर चाहिए। तो मैं दिल्ली गई हुई थी, तो मैंने वहाँ पर अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करा। तो उस दौरान मैंने एक जिम से, मतलब ट्रेनर से बात करा कि हमें एक फ़ीमेल जिम ट्रेनिंग चाहिए थी। उन्होंने बोला यहाँ से तो कोई पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला मैं ऐसे ऑलरेडी मैंने जिम खोला था, उसके बाद मेरा ऐसे कंसीव हुआ, फिर डिलीवरी हुई, तो अभी मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी का तो 3 ही महीने हो गए हैं, तो इसके बाद मैं जिम कैसे हैंडल करूँ। हमें वहाँ मेल ट्रेनर तो है, बट लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। तो ये हमारा सेपरेट था, बॉयज़ का ऊपर अलग सेपरेट जिम था और फीमेल्स का अलग था। जब मैंने खुद पहले ये देखा, मुझे कितनी हल्कापन, कितना वेट लॉस से कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इस फील्ड में जाऊँ। जब मैंने उनसे बात करी, हमने पहले तो चाहा था कि ड्यू टू माई इशू कि मैं ट्रेनर रख लूँ बाहर से, बट जब मैंने देखा खुद से वर्कआउट करने से कितने बेनिफिट्स है एक फीमेल में, तो मैंने ये कंटिन्यू कर लिया। मैं वहाँ से आके, ये ऑलरेडी हमने खोला हुआ था, मैंने ये खोला था अपने लिए जिम, तो लेकिन जब मैं कंसीव हो गया, ऐसे ऐसे इशूज़ आ गए, तो ड्यू टू दैट मैं वहाँ पहुँच नहीं पाई। फिर मैंने उसके बाद जब हम मैंने खुद का वेट लॉस करके आई, ट्रेनिंग ली, फिर मैंने ये खुद से संभाला था।